द हिंदुस्तान गैजेट की न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है एआर रहमान सैफी। मैं इस समय लखनऊ में गोमती नदी है। एक वक्त हुआ करता था जब यहाँ बारिश नहीं हुई थी तब यहाँ पे पूरा खाली था, जैसे कि गाय और पशु जानवर जो है यहाँ चरा करते थे। देखिए हम आपको दिखाना चाह रहे हैं पानी गोमती नदी का कितना ज्यादा अंदर तक हो गया है। वहाँ सामने एक मजार है, वहाँ हम आपको लेकर चलते हैं। वहाँ पार्क है खेलने कूदने के लिए, पूरा पानी भर चुका है। साथ ही पीपे वाला पुल, जो पीपे वाला पुल ज्यादा मशहूर है, वो पीपे वाला पुल हल्का तिरछा हो गया है, उसके बारे में हमें जानकारी मिली है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। चाचा ये बताइए, पीपे वाला पुल है ये साइड में हो गया है, क्या वजह इसकी? इसकी वजह यह है कि दरिया में ये है, ये बह जाने खतरा होता है इसका, इस मार इसको खोल के किनारे लगा दिया जाता है कि बह ना पावे। अच्छा, आने जाने के लिए क्या साधन रहता है? नाव चल रही है, नाव से हम उस पार जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। वहाँ पे देखिए पानी कुछ ज्यादा भरा है, जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम अंदर चलते चले जा रहे हैं। गोमती नदी का ये अच्छा खासा बहाव है, लोग मना भी कर रहे हैं कि खतरे का निशान है, आगे नहीं जाना चाहिए। फिलहाल एक सामने पार्क है, हम वहाँ पे जाएंगे। अच्छा आप देखिए कि मेरी जीन्स भी भीग गई है और नीचे मैंने जूते उतार दिए, चूंकि देखिए नीचे शीशे और पत्थर हैं, वो सारी चीजें बहुत आ रही हैं और गड़ रहे हैं, तो कहीं भारी नुकसान ना हो जाए। देखिए हम आ गए हैं अब यहाँ पे नाव पे, अब हम बैठ करके हम उस पार जाएंगे, तो आइए चलती है। तो ये है लखनऊ में नाव की सवारी। अब हम इस समय यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देखिए कि किस तरह से नाव धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही है। तो अभी करीब अभी हम जो है वो नदी के बीचों बीच में, पानी का बहाव अच्छा खासा है, मौसम बना हुआ है, कभी भी पानी गिर सकता है। तो अब हम इस पार से, मैंने जैसा पहले बताया था, अब हम उस पार जा रहे हैं और काफी मेहनत वाला काम है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से नाव जो चला रहे हैं भैया, उनकी मेहनत वाला जो काम है और कम पैसे में 10 रुपए में, हाँ जी हाँ सही सुना आपने, केवल 10 रुपए में हम यहाँ से इस पार से उस पार जा रहे हैं।